दोस्तों आपने बचपन में पेंसिल पेन ये चीज़ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन जो आज हम आपको पेंसिल या पेन एक तरीके से कह सकते हैं एक मशीन दिखाने वाले हैं, ये शायद ही आपने पूरे अपने जीवन में देखी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर हाथों से वो पेन को घुमाया जा रहा है और इस साइड में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक वर्ड यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जिम वगैरह में जो प्लेट्स होती हैं उनको बनाया जाता है, यहाँ पर किस तरीके से उनकी एक डाई बनाई जाती है, फ्रेम बनाया जाता है, और इस फ्रेम में सेट करके जो वो रबड़ वाली प्लेट आप देखते हैं आजकल जिम में, वो इस फ्रेम में सेट होकर बन जाती है। अब आप इस मशीन का कमाल देखिएगा, इस साइड में इनका एक वो कह सकते हैं कि फ्रेम रखा हुआ है जिस फ्रेम पर ये यहाँ पर इस पूरी पेंसिल को घुमाते हैं, और जो यहाँ इस फ्रेम पर लिखा हुआ है वो सेम यहाँ पर छप जाएगा। इधर जो लिखा हुआ है आपको थोड़ा सा समझ भी आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है के और इस साइड में लिखा हुआ है आर उल्टा करके, और जैसे जैसे यहाँ पर उल्टा करके ये इसको घुमा रहे हैं पेंसिल को, सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये उल्टा छप रहा है। अब ये उल्टा क्यों छप रहा है? उल्टा ये इसलिए छप रहा है ताकि जब वो रबड़ वाली प्लेट पर ये छपेगा, यानी इसके ऊपर इस वाली प्लेट के ऊपर वो रबड़ वाली प्लेट का जो ढलाई होगी वो उस पर बिल्कुल सीधा छप कर आएगा। ये देखिएगा दोस्तों कितना कमाल सुंदर तरीके से ये दृश्य है काम हो रहा है। अच्छा आशिफ भाई एक चीज़ बताइए, जब आप हमें ये जो आपने रेड कलर का इस पर लगा रखा है ये क्या चीज़ है और क्यों ये लगा रखा है? ये रेड कलर का इसलिए लगा रखा है ताकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन ये पता चले कि हमें कहाँ पे क्या लिखना है। अच्छा मतलब ये जहाँ जहाँ ये रेड कलर का लगा हुआ है ये प्रोडक्ट आपने आपको सिर्फ उसी जगह लिखना है, वहाँ एक मार्किंग ड्रो है। अच्छा मार्किंग ड्रो है, उस मार्किंग से राइट एंगल और सेंटर निकलता। अच्छा पहले यहाँ पे मतलब आप एक मार्क करते हो, नापते तोलते हो इसको? ये गोल मार्किंग लगी हुई है। अच्छा नजदीक से दिखा देता हूँ, जिससे गोला और हमें सेंटर मालूम हो रहा है कहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से इस पे एक नाम है, पार्टी का नाम है, उसका सेंटर वगैरह निकालने में आसानी होगी। जो भी फ्रेम लगवाना हो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ ऊपर पार्टी का नाम आएगा। कहाँ किस जगह? ये पार्टी का नाम है। अच्छा और नीचे इसका वेट आएगा 10 किलो। अच्छा ये कितने केजी की प्लेट है? इसमें से मोल्ड हो गए 10 किलो की प्लेट निकलेगी। अच्छा ये फिर मोल्ड हो गए उसी हिसाब से उसी साइज की 10 किलो की प्लेट निकलेगी। ओके किलो का पीस निकलेगा। अच्छा ये जो है ये हैंडल जिससे आप घुमाते हो ये इससे क्या होता है? इससे ये गहरा हो रहा है। अच्छा वर्ड हमारा गहरा हो रहा है। अच्छा मतलब इसको जितना घुमाएंगे सुई इसमें नीचे की तरफ जाती चली जाएगी, उतना ही गहरा गहरा ही बनती चली जाएगी जी। अच्छा बहुत ही बारीकी का काम है। आप दोस्तों देख सकते हैं ये इधर देखें उधर देखें आप किस तरीके से पहले ये घुमा रहे हैं इसको, ये इसी तरीके से सेम जैसे जैसे वो उधर मशीन घूम रही है पेंसिल घूम रही है सेम इसी तरीके से ये वाली जो सुई है पेंसिल है वो यहाँ पर घूम रही है। ये देखिएगा जितना ज़्यादा ये उसको घुमाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये घूमेगी और वर्ल्ड को और गहरा और ज़्यादा कह सकते हैं कि डार्क एक तरीके से बना देगी, और यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट जो आर वर्ल्ड है वो बनकर लगभग तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना जी। और इस मशीन का स्ट्रक्चर आपको मैं और थोड़ा सा दूर से दिखाना चाहूँगा एक बार आपको, ये आप देख सकते हैं ये मशीन का पूरा स्ट्रक्चर है किस तरीके से ये मशीन जो है काम करती है, बहुत छोटी सी जगह में ये मशीन आ जाती है दोस्तों, और कमाल का ये दृश्य है, कमाल का ये काम करती है, छोटी सी मशीन है लेकिन काम बहुत बेहतरीन करती है, ये देखिएगा। अच्छा आसिफ भाई अगर यदि किसी भाई को आपसे संपर्क करना हो इस तरीके का काम कराना हो तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है और अपनी दुकान का पूरा एड्रेस दीजिए? दुकान हमारी खैर नगर में है, बंगले वाली गली है, एड्रेस मीट वाली गली खैर नगर। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरा मोबाइल नंबर है 8791875565। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आपसे संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से काम होते होते यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे एक पूरी प्लेट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है KR और नीचे आप देख सकते हैं इसका वेट लिखा हुआ है। तो कितनी शानदार तरीके से इन्होंने बेहतरीन ये काम किया है दोस्तों, मशीन ने क्या बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कॉमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।